तो आज हमारे गांव के हरिनाथ देवता के मंदिर में नांग डाला जा रहा है, जो कि सभी गांव वाले अपना अपना हिस्से का जो कि राशन होता है, मतलब कि जो नई फसल होती है उसको चढ़ाने के लिए दे रही हैं, और उसके साथ तेल हो गया, घी हो गया, आटा जो भी है सब कुछ देते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो आज हम अभी मंदिर में जा रहे हैं और सब लोग अभी देख सकते हो अपने अपने हिस्से का सामान दे रहे हैं। तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर, और मंदिर में आज गौदान भी करना है और नांग डालते हैं इधर, जो कि नई फसल चढ़ाते हैं। सभी लोग जा रहे हैं, अभी हम सारे लोगों ने अपने अपने हाथों में सामान रखा हुआ है। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल दीपू पहाड़ी ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं मंदिर, हरिनाथ देवता जी के मंदिर में। आज हमारे पूरे गांव वाले मंदिर में नांग डालते हैं और सभी लोग गौदान करते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे वहाँ पे मंदिर में हमारे क्या क्या होता है, और आपको यहाँ से दिखा देता हूँ वो मंदिर कहाँ पे है। यहाँ से ये देखो खेत के बीचों बीच ये है हमारा हरिनाथ देवता का मंदिर। तो आज हम आपको वहीं ले चलेंगे और क्या क्या होता है मंदिर में, कैसे होता है सब कुछ आपको दिखाएंगे हम लोग। और सभी लोग जा रहे हैं अभी हम, और सभी गाँव वाले जाते हैं, सब लोग अपना जो भी राशन आसन है सब लोग देते हैं इकट्ठा करके, और मंदिर में वहीं भोग लगाते हैं पहले। और जो भी पुरानी परंपरा चली आ रही है वो अभी भी बरकरार है हमारे गांव में। तो दिखाएंगे हम आपको, और वहां गांव के सभी लोग आएंगे आज, और चलते हैं पंडित सब आएंगे उधर। और अभी हम तो नीचे जा रहे हैं, और ये है हमारे साथ पप्पूदा जो कि आटा ले जा रहे हैं। देखिए दोस्तों इस कुत्ते की तो आवाज़ दम भी नहीं है। दोस्तों मंदिर में चढ़ाने के लिए सभी गांव वाले आटा, तेल, मिश्री और जो भेंट होता है सब देते हैं, और अभी फिर ये लोग दे रहे हैं यहाँ पे। अभी आएंगे यहाँ से भाभी जी हमारी, ये देखिए वो लेके आ रहे हैं आटा हो गया, मिश्री हो गया, अगरबत्ती और तेल सब कुछ। हमारे साथ का जो नीरज था वो वहाँ पहुँच गया नीचे, ये देखिए हाथ में जर्किन लेते हुए, और पीछे पप्पूदा नीचे पहुंच गया, और अभी हम यहाँ पे हैं ऊपर। ये लोग आ रहे हैं अभी मंदिर की ओर, अभी हम नीचे पहुंच गए, अभी सीधे जाना हमने आगे, बहुत आगे भी। तो हम मंदिर में पहुंचने वाले हैं, आगे उधर है मंदिर खेत के बीचों बीच। तो दोस्तों हम पहुंच गए मंदिर में, ये रहा मंदिर, और आपको अभी दिखाते हैं मंदिर के दर्शन कराते हैं। दोस्तों सब लोग आ गए हैं यहाँ पे, सब लोगों ने अपना अपना जो कि चूल्हा तैयार कर लिया है, और हमारा सामान यहाँ पे, हम यहाँ पे तैयार करेंगे अपना। और मंदिर वहाँ पे है जहाँ पे गौदान होगा। तो यहाँ पे बर्तन आ गया खाना बनाने के लिए, पूरी प्रसाद जो बनती है, और यहाँ पे हमारा चूल्हा लगेगा। तो सारा तेल, आटा, अगरबत्ती, धूप सब यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, और हमने यहाँ पे लकड़ियाँ भी इकट्ठा कर लिया है, और थोड़े दिन में फिर मंदिर में गौदान होगा सब कुछ। शाम को सब लोग खाने के लिए आएंगे। तो दोस्तों हम पहुँच गए मंदिर में, और मंदिर में भी यहाँ पे सारा सामान वामान इकट्ठा कर दिया यहाँ पे, जो भी है सबको जो जो कि वहाँ मंदिर में चढ़ाते हैं पहले, और उसके बाद जो फिर यहाँ पे पूरी प्रसाद बनेगा। और हमारे साथ है नीरज, नीरज सिंह, और सारे लकड़ियाँ यहाँ पे हैं जो मंदिर में लकड़ियाँ चढ़ाते हैं, मतलब मंदिर आते टाइम उसका यूज कर रहे हैं अभी सारे लोग यहाँ पे। दोस्तों ये रहा हमारा मंदिर, हरिनाथ देवता का मंदिर, देख सकते हो काफ़ी बड़ा मंदिर है हमारा। और यहाँ पर है धूड़ी जिसमें नवरात्रों में जलाई जाती है, और ये होगी शिला, और देख सकते हो मंदिर। पानी डालिए, ऐसे ही किया था, थोड़ा मिला दे।
तो अब यहाँ पे आलू छिले जा रहे हैं सब्जी के लिए, और आटा गूंद दिया हमने, और तेल लगा रखा है यहाँ पे, पानी तेल डाला हुआ है मतलब पूरी के लिए, पूरी तलने के लिए। हाँ, और नीरज का मसाला ख़त्म हो गया लगता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो अभी हम लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे काट रहा हूँ आलू, और ये लोग यहाँ पे आलू छिल रहे हैं, और सभी लोग लगे हैं हम यहाँ पे, हम सब्जी काट रहे हैं, और यहाँ पे ये लोग पूरियाँ तल रहे हैं देख सकते हो, और सभी लोग गांव वाले जो भी मतलब अपने अपने परिवार के जो भी होते हैं सारे लोग इकट्ठा बनाते हैं खाना, जैसे कि हम अपने साइड के हैं तो हम अपना बना रहे हैं खाना, मतलब सभी लोग मतलब ग्रुप वाइज खाना बनाते हैं, और जैसे हमारी पूरियाँ बनेंगे फिर हम बनाएंगे सब्जी, सब्जी के बाद फिर बनेगा हलवा, और उसके बाद फिर हम वेट करेंगे पंडित जी का खाना बनने का। जैसे पंडित जी का खाना बनेगा तो उसके बाद गौदान स्टार्ट होगा, पूजा स्टार्ट होगी मतलब मंदिर में, जैसे कि पूजा स्टार्ट होगी गौदान हो जाएगा, तो उसके बाद सभी जो भी गांव के लोग होते हैं मतलब जैसे कि हमारे परिवार के फैमिली में लोग, और जिन सभी लोगों के मतलब फैमिली वाले आते हैं फिर मंदिर में, और उसके बाद सभी लोग खाना खाते हैं पूरी पूरी। क्या कहना चाहोगे है? क्या कुछ कहना चाहोगे? कहना चाहेंगे ये ओजन से बताएंगे आप। चाय का हम बनाने जा रहे हैं चाय के लिए ले जाए अल्लाह रखे केतली। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरियाँ बना लिया है और सब्जी काट ली है, और अभी थोड़ी देर में क्या बोलते हैं गौदान होगा, उसके बाद फिर खाना वाना बनेगा, और उसके बाद फिर सब लोग खाना खाने के लिए आएंगे गाँव से। अब और हमारा गाँव कहाँ पे, ऊपर गाँव है हमारा, इससे भी ऊपर गाँव है, दिख नहीं रहा अभी। यहाँ पर हमारा वो है खाना बनाने वाला जिसको बोलते हैं चूल्हा, और उस साइड भी किसी और का है, और उस साइड भी किसी और का, और यहाँ भी किसी और का, मतलब सबका जो भी परिवार वाले हैं सब लोगों ने इकट्ठे बना रखे अपना अपना, और इस साइड भी है थोड़ा, इस साइड है और यहाँ पे भी है, सब लोग बना रहे हैं अभी पूरियाँ बना रहे हैं, और उस साइड भी है अभी, और मंदिर में अभी पाठ पढ़ा रहे हैं, अभी मंदिर में पाठ पढ़ रहे हैं, अभी पूजा वूजा हो रही है अभी मंदिर में। और हमारे ताऊ जी यहाँ पे प्याज काट रहे हैं, मैंने सब्जी सब्जी काट ली थी, अभी थोड़ा मैं वीडियो बना रहा हूँ। और थोड़ी देर में फिर पूजा स्टार्ट होगी। तो दोस्तों देख सकते हो अभी यहाँ पर मतलब पूजा की तैयारी हो रही है, पूजा आरती की, इसलिए यहाँ पे भी ढोल बजाया जा रहा है, और ये हमारे हरिनाथ देवता जी का मंदिर है, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे नवरात्रा भी लगते हैं इस मंदिर में, और पूजा पाठ सब कुछ जो भी होता है हमारे गांव का, ये इष्ट देव का मंदिर है, तो यहाँ सब चीज़ें होती हैं, हमारे यहाँ मेला भी इसी मंदिर में लगता है, और नवरात्रे भी यहीं होती हैं। ये बन रहा हलवा, बन रही है सब्जी, खाना ना बन चुका है, अब गोदान की तैयारी है कुछ देर के बाद। अच्छा अभी फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं? फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि पंडित जी का खाना भी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा
तभी सब लोग बैठे हैं अभी। तो अभी गौदान के लिए सभी लोग रेडी हो गए हैं और आज मेरा भी गौदान है, पहली बार मैं भी गौदान में बैठूंगा और दिखाते हैं हम आपको अभी मंदिर में। सभी लोग आएंगे अभी, तो अभी यहाँ पे गाय भी लागी है मंदिर में। अब इसको मंदिर में ले जाएंगे हम और उसके बाद इसकी पूजा करेंगे गौ माता की। और ये देखिए, मुझे पहचान पा रहे हो आप धोती और टोपी के साथ, कैसा लग रहा हूँ मैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों हो चुका है गौदान पूरा, देख सकते हो, और सभी गांव वाले आ गए हैं अभी खाना खाने के लिए। अभी थोड़ी देर में मंदिर में आरती होगी जो कि पूजा होती है फाइनल, और उसके बाद जो फिर सभी लोग खाना खाने स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद सीधे लोग अपने अपने घर जाएंगे। और यहां पे अभी स्टार्ट हो गई है पूजा मतलब आरती। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे हरिनाथ देवता जी की आरती हो गई है और अभी सब लोग अब खाना खाने के लिए रेडी हो गए हैं। और देख सकते हो पूरी और सब्जी बना रखी है, और मंदिर में मतलब जो भी बनता है स्वादिष्ट होता है खाना, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और सब लोग देख सकते हो बैठे हैं यहाँ पे, और हम खाना खाएंगे और उसके बाद सीधे हम अपने अपने घर को निकल जाएंगे। जो भी बचा हुआ सामान होगा सब लोगों को गाँव में मतलब फिर बाँटेंगे पूरी प्रसादी। और देख सकते हो अब हम निकल गए हैं गाँव की ओर सारा सामान पैक करके। देखिए कसम किसम कौन, हाँ बताओ क्यों जो गलत है। मैं अब दिवा बुढ़ी जान, दिवा बुढ़ी जान लक्के का तो इतने पे लक्किया लक्की तो रोज हूँ यहाँ वीडियो में। ओए ओए आ गया आ गया, इटो अब मठो मठ इटो। ओए 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 हाँ है मोड़िया। तो दोस्तों हम आ गए हैं मंदिर से खाना वाना खा खुके पूजा पाठ करके और गौदान करके सभी लोग वापस, जितना भी सामान पूरी प्रसाद बचा है लेके आगे झोले में वापस। और शाम हो चुकी है, 6:30 बज गए हैं।